बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वन टॉप फैक्टर, जिसे आप आई से डिनोट करेंगे। इस फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, वेदर इट इज़ एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव इन सॉल्वेंट। इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप? इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, ये फार्मूला आपको आना चाहिए कि आई क्या है, रेशो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि इट इज़ द रेशो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास टू एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल ऊपर, एबनॉर्मल नीचे बच्चों, यानी कि थियोरटिकल ऊपर, एक्सपेरिमेंटल नीचे, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक्सपेरिमेंटल ऊपर और कैलकुलेटेड नीचे बच्चों। तो इसमें अपोजिट क्यों है? क्योंकि बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिकुलर मास के इन्वर्सली होती है। अगर आई रेशो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मॉलिकुलर मास में अपोजिट हो जाएगा बच्चों। ये रेशो होगी नॉर्मल मॉलिकुलर मास टू द एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास। इस बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर आई की वैल्यू 1 आती है, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू सेम आ जाती है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूट ना ही एसोसिएटिव नेचर का है ना ही डिसोसिएटिव नेचर का है सॉल्वेंट में। लेकिन अगर आई ग्रेटर देन 1 आया, और वो कब आएगा बच्चों? जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आएगी कैलकुलेटेड से, जिसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा है, जिसके कारण एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आई है। और पार्टिकल कब बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूट के सॉल्वेंट में डालने पर? जब वो डिसोसिएटिव नेचर का हो। यानी आई ग्रेटर देन 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। और आई लेस देन 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। इसीलिए बच्चों, मॉडिफाइड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वो क्या हो जाएगा? जैसे रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए आपको आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अगर सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन नेचर का है बच्चों, तो ये आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो आपको आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करके ही निकालनी होगी, तभी आपको वो सही आंसर मिल पाएगा जो रियल में, जो एक्सपेरिमेंटल है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन याद होना चाहिए इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वेयर दे अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करें, ठीक है। ये चारों एक्सप्रेशन अब मॉडिफाइड आपको आने चाहिए फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम रिलेशन देखेंगे बच्चों बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से एसोसिएशन और डिसोसिएशन के एक्सटेंट से, लिमिट से लिंक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसे कैसे निकालेंगे आप? अल्फा से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। बच्चों, अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो आपको रेशो लेनी पड़ेगी, कितने मोल एसोसिएट हैं और कितने मोल आप लेकर चले थे इनिशियली। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है तो ये क्या होगा? ये नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। ये आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। बच्चों, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वास्तव में क्या इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए आप शुरुआत में 10 मोल लेकर चले हैं सॉल्यूट के, और उसमें 5 मोल जाकर डिसोसिएट हो गए हैं सॉल्वेंट में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बच्चों? 10 में से 5 हुए बच्चों, तो 1 में से कितना होगा? 1 में से हाफ, तो 5/10 क्या होगा? जो 5/10 होगा बच्चों, वो होगा आपका हाफ। मतलब 1 में से जो आप बताते हैं ना, 1 में से जो डिग्री और फ्रैक्शन इंडिकेट करता है कि पर यूनिट
कितना डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ है उस चीज़ को आप डिग्री से डिनोट करते हैं बच्चों। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, अगर हमारे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ऐसे ही एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, तो इस चीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए कि डिग्री यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है, एक्सटेंट इंडिकेट करती है बच्चों, ठीक है। अब हम रिलेशन देखेंगे बच्चों कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, अल्फ़ा से ही हम दोनों को डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो पहले हम आई और अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन में रिलेशन देखते हैं बच्चों। बच्चों मान लीजिए कि कोई सॉल्वेंट के एन पार्टिकल एसोसिएट करके एक सिंगल पार्टिकल बनाते हैं ए एन, ठीक है, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। कोई सॉल्यूट ए उसके एन पार्टिकल एसोसिएट करके एक सिंगल पार्टिकल बनाते हैं ए एन बच्चों, ठीक है। तो मैं ऐसे केस में अगर मैं ये मान के चलूँ कि मैं वन मोल ए का लेकर चल रहा हूँ बच्चों, और शुरुआत में ये जीरो है, राइट साइड में जो आपका एसोसिएटेड प्रोडक्ट है वो जीरो, इनिशियली आपने इसका वन मोल लिया। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें से, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, वन में से जितने मोल आपके एसोसिएट होंगे बच्चों उसे आप किससे डिनोट करेंगे, अल्फ़ा से। अल्फ़ा मोल जो है वन में से, क्योंकि अल्फ़ा वन में से ही इंडिकेट होता है बच्चों, डिग्री जो होती है वो पर यूनिट ही एक्सप्रेस होती है, वन में से अल्फ़ा मोल जो है वो एसोसिएट होने के लिए चले गए, तो वो कितने रह जाएंगे बच्चों, अल्फ़ा मोल जो पार्टिकल्स हैं वो कितने रह जाएंगे, अल्फ़ा बाय एन मोल बच्चों, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, वन माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाय एन। तो आई क्या होता है बच्चों, आई होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ ऑफ पार्टिकल्स, और या फिर आप कह सकते हैं मोल्स, और थ्योरेटिकल जो आप लेकर चले थे बच्चों वन, जब आप एसोसिएशन डिसोसिएशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल वैल्यू वन, उसके रेशो को आप आई बोलते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ आई और अल्फ़ा को लिंक करेंगे तो अल्फ़ा क्या निकल के आएगा बच्चों, वन माइनस आई, वन माइनस वन बाय एन, ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों। अल्फ़ा जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है यहाँ पर वो क्या होगा, वन माइनस आई बाय में वन माइनस वन बाय एन, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं बच्चों, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे बच्चों वॉन्ट ऑफ फैक्टर और अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट का पार्टिकल सिंगल वो एन पार्टिकल ए डैश में ब्रेक हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं इसका इनिशियली वन मोल लेकर चलता हूँ, ये जीरो बच्चों, और इक्विलिब्रियम मतलब वो कंडीशन बच्चों जिस समय मैक्सिमम जितना टूटना है टूट गया है, तो वन में से अल्फ़ा ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वन से अगर एन पार्टिकल बनते हैं तो अल्फ़ा मोल से कितने मोल बनेंगे, एन अल्फ़ा बच्चों। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मोल जो इक्विलिब्रियम पे है वो वन माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल वन माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, और आप लेकर कितना चले थे, वन। तो आई क्या होता है बच्चों, रेशो होती है इसकी, और अगर आप यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आएगा, आई माइनस वन बाय में एन माइनस वन, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एन निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि Al2SO4 थ्राइस है, यहाँ एन क्या होगा, 2Al3 प्लस प्लस 3 सल्फेट आयन, तो यहाँ पर एन क्या होगा बच्चों, 2 प्लस 3, एक पार्टिकल से कितने टोटल पार्टिकल बन रहे हैं, 5, तो यहाँ एन क्या है बच्चों, 5। इस तरह से आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे बच्चों वहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करेंगे आज ये आपको यहाँ तक इसमें करना है बच्चों, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है जो न्यूमेरिकल में आप सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है।